जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु ने आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि हम जीवित पाए जाते, और मैं आज आप सबों का स्वागत करता हूँ इस आराधना में। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 142 अध्याय उसका पहला पद में राजा दाऊद कहता है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद एक विशेष बात को इस वचन में कहता है कि मैं अपनी शोक की बातें, अपने दुख की बातें, अपनी तकलीफ की बातें, मैं अपनी संकट की बातें, मैं उसे खोल कर कहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आज जब हम प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में जो कुछ है आप खोल कर परमेश्वर को कहिए। हालेलुया। आप खोल कर परमेश्वर की महिमा करिए, खोल कर आप परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाइए। हालेलुया। मन को खोल कर अपनी मन की सारी बातें परमेश्वर को बताइए। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी हरेक मनोकामनाओं को पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके लोग परमेश्वर को पुकारे, उसकी प्रजा उसके पीछे चले, उसकी प्रजा अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं मुझको बहुत ही अच्छा लगता है जब हन्ना की प्रार्थना के विषय में मैं जब पढ़ता हूँ। हन्ना एक दुखिया स्त्री थी, जो बांझ स्त्री थी, जिसके पास कोई संतान नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में जाकर अपनी सारी मन की बातों को वो बतलाती है, परमेश्वर के सामने वो प्रकट करती है। और परमेश्वर सच में कितना महान परमेश्वर है, हन्ना का सुधी लिया और परमेश्वर ने उसको संतान की आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे सामुएल नबी को दिया। मेरे प्रिय भाई, इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा, जब हम और आप अपने मन की बात को हम खोल कर परमेश्वर को हम बतलाएंगे। जो बीमारी आप मन को खोल कर अपनी बीमारी को बताइए, जो पाप है उसको खोल कर परमेश्वर को बतलाइए। जब हम परमेश्वर को बोलना बतलाना शुरू करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी शुरू कर देगा सुनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझको बहुत ही अच्छा ये भजन 142 अध्याय का पहला और दूसरा पद लगता है, क्योंकि राजा दाऊद मन को खोलकर अपनी बातों को परमेश्वर को कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी में अपने आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु की उपासना करेंगे। थोड़ी देर आइए हम अपने सारे कार्यों को भूल जाएं, थोड़ी देर आइए हम सब चीज को भूलकर इस घड़ी सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर की ओर हम ध्यान करें, अपने हाथों को स्वर कर उठाएं, और थोड़ी देर आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। जब हम आज की आराधना में शामिल हुए हैं, आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की हम बड़ाई करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, उसके नाम की हम बड़ाई करें। अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर, इस घड़ी हम हरेक को तेरे चरणों में आते हैं, तेरी बड़ाई करते, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि तुम महान है परमेश्वर। प्रभु तेरा कार्य महान है मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जितने लोग इस घड़ी इस आराधना के साथ मिलकर प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हरेक के जीवन में अद्भुत काम करना, हरेक को पिता तू छू लेना, हरेक को पिता तू पवित्र कर देना यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। आज की आराधना हमारे के लिए आशीषों से भरी हुई आराधना हो जाए मेरे पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं, प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं, प्रभु तेरी हम स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 क्योंकि तू प्रेम का सागर है मेरे पिता, तो हमारे एक से बहुत ही प्रेम करता है और अपना सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट करता है मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे पिता, तेरी स्तुति करते, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तारीफ करते हैं मेरे पिता। और इस घड़ी हम हरेक को तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और हम तेरे चरणों में आकर तेरी स्तुति के महिमा के गीतों को गाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, अपने मन की बातों को खोल कर तुझसे कहते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम हरेक को छू ले आज के दिन में, हम हरेक को पवित्र कर दे मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी में अपने हाथों को उठाकर हम इस गीत को गाएंगे, प्रेम का सागर तू। हालेलुया, प्रेम का सागर तू, सच में हमारा परमेश्वर,
हमेशा प्रेम का सागर है। हालेलुया, इस गीत को आइए अब अपने हाथों को उठाकर बड़ी आदर के साथ में परमेश्वर की महिमा करते हम गाएं और हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया,
मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तो प्रेम का सागर है प्रभु। जब जब हम तेरी महिमा के गीतों को हम गाते हैं प्रभु, तू हमें जीवन देता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तू दर्शन के द्वारा अपनी कृपा से हमारे जीवन को भर देता है मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे पिता, हम तेरी तारीफ करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। इसी वक्त प्रभु पिता परमेश्वर अपनी महिमा से हम हरेक को भर दे मेरे पिता, ताकि हम तेरी अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के कुछ और गीतों को गाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम हरेक के संग होले, हम हरेक को अपनी उपस्थिति में ले ले मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 21 अध्याय का पहला पद से कहता है, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उसे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दान दिया है। हालेलुया। सच में जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो हमें युगानुयुग का जीवन दान देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हमारे जीवन में उत्तम आशीषों को देता है वो, परमेश्वर हमें दे सकता है और वो देगा। इसलिए मैं ने कहा सबसे पहले कि आप अपने मन की बातों खोलकर परमेश्वर को बोल दीजिए। हालेलुया हालेलुया। आइए इस गीत हम ताली बजाकर एक गीत को हम प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, आशीष तुझ से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हालेलुया। इस गीत को आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएं और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हम आते हैं
पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, भूलो ना इन बंदों को, तुम क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को, तुम क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उसे ही प्रेम को चाहते हैं, उसे ही प्रेम को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आइए इस घड़ी जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। संभव अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए और थोड़ी देर आइए हमारे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे पापों अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। राज्यों का राज्य सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं। आइए इस घड़ी थोड़ी देर हम पश्चाताप करें, अपने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हालेलुया। आइए अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे छू ले, मुझे पवित्र कर दे मेरे प्यारे परमेश्वर, अपनी महिमा से मुझको भर दे मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में आशीष को लेकर आने पाए, आज का वचन मेरे हृदय में अधिकारी से बसने पाए, प्रभु ऐसा अनुग्रह करना, ऐसा नोटिंग को देना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के सामने आई अपने आप को दीन करें, नम्र बनाए, नम्र बनाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राज्यों का राज्य सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु जितने लोग हमारे साथ मिलकर पश्चाताप कर रहे हैं, इस घड़ी जितने लोग हमारे साथ मिलकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, इसी घड़ी अरे को छू ले मेरे पिता। इस आराधना में जितने लोग शामिल, अरे को छू ले मेरे पिता, अरे को पवित्र कर दे, पवित्रता का मन को दे मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि हरे का हृदय शुद्ध पवित्र हो जाए और पवित्रता का चाल चलन में आगे बढ़ने पाए। ऐसा अनुग्रह कर मेरे पिता, हर एक अंधकार की शक्ति से प्रभु, हर एक ऐसा पाप का बंधन जो हर एक आशीष को आने से रोकता है, इसी तमाम शक्ति को हम नष्ट कर रहे हैं यीशु के नाम में। हम हर एक के ऊपर में अपने स्वर्गीय हाथ को बढ़ा ले प्रभु, हम हर एक के ऊपर में अपना सामर्थ को बढ़ा ले प्रभु, अपनी दया का मुकुट को हमारे ऊपर में दे मेरे पिता, ताकि हम तेरी दया में आगे बढ़े प्रभु, हम तेरे प्रेम में आगे बढ़े प्रभु, हम तेरी सामर्थ में आगे बढ़े मेरे पिता। हम हर एक के गलतियों को माफ कर,
करना, हमारे के अपराधों को माफ करना प्रभु, जो जाने अनजाने में हमारे जीवन से हुआ है प्रभु हमें माफ करना प्रभु, ताकि हम प्रभु सच्चाई से आगे बढ़ने पाए प्रभु, खराई के साथ तुझमें आगे बढ़ने पाए प्रभु, ताकि हम जीवन में तेरी आशीष को लगातार अपने जीवन में प्राप्त करने पाए मेरे पिता, ऐसा अनुग्रह कर। हालेलुया 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 प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हर एक के ऊपर में अपने स्वर्गीय हाथ को बढ़ाकर मेरे पिता परमेश्वर इसी घड़ी छू ले बेटा, इसी घड़ी प्रभु अपना स्वर्गीय हाथ को बढ़ा मेरे बेटा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तूने हमें छुआ है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें पवित्र किया, धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे हृदय को तूने शुद्ध पवित्र कर दिया, हमारे चाल चलन को शुद्ध पवित्र कर दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं पिता, अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना प्रभु, क्योंकि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उज्याला है, उसी उज्याले से प्रभु इसी घड़ी हमारे एक जीवन को भर देना मेरे खुदा प्रभु, हम धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आज की आराधना में मैं आप सबों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, विशेषकर ऐसे लोग जो पहली बार हमारी इस आराधना के साथ में जुड़े हैं, प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे, लगातार हमारे शिवकाय के साथ में जुड़े रहे हैं, प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष देगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने सच में मेरे प्रिय भाई बहन हमारे को संभाल के रखा। हालेलुया हालेलुया, वह ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है, जो उसके डर और भय में बढ़ते हैं, जो उसके भक्त हैं परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। हालेलुया, और आज मैं कुछ वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, नम्रता और यहोवा का भय मानना बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन को नम्र बनाना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, उसका भय में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 4 पद में, तो यहाँ पर नम्रता और परमेश्वर के भय के विषय में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4 यहां पर लिखता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, नम्रता और परमेश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया, यहां पर दो चीजों का फल के विषय में लिखा है, पहला कि नम्रता, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके डरवैये अपने स्वभाव को नम्र बनाए। हालेलुया, हमारे आपको अपने जीवन को नम्र करना बहुत जरूरी है, नम्रता और दूसरा परमेश्वर का भय मानना। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर पर हम भरोसा रखेंगे, तो उसका नतीजा उसका फल परमेश्वर क्या दे रहा है, धन दे रहा है, दूसरा परमेश्वर महिमा को देता है, तीसरा परमेश्वर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीवन को देता है। हालेलुया, आज हर व्यक्ति जीवन चाहता है, हर व्यक्ति अच्छा जीवन चाहता है, कहां से अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा जीवन परमेश्वर का भय मानने से मिलेगा। हालेलुया, अच्छा जीवन अपने स्वभाव को नम्र करने से मिलेगा, क्योंकि लिखा है वो धन को देने वाला परमेश्वर है, वो महिमा को देने वाला परमेश्वर है, वो जीवन को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, अपने आप को नम्र कर ले, हालेलुया, और परमेश्वर का भय मानना शुरू करें, और जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम को दूर करेगा, परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे महिमा को बढ़ाएगा, मतलब परमेश्वर हमारे हर एक प्रकार के लज्जापन, जहां पर चारों तरफ हमारी नामधराई होती है, परमेश्वर ऐसे जगह में हमें ऐसे लोगों से बचाएगा जो लोग हमारा बेइज्जती करते हैं, वो जीवन को देते, एक ऐसा जीवन जो आज हर मनुष्य चाहता है। सबसे पहले हम नम्रता के विषय में हम पढ़ेंगे कि नम्रता क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 5 पद में अगर हम अपने स्वभाव को नम्र करते हैं, तो लिखा है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है जो नम्र है लिखा है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब तक हम और आप अपने स्वभाव को नम्र नहीं करेंगे, हम कहां से पृथ्वी के अधिकारी होंगे, कहां से हमारा जो नौकरी या जो कुछ में उसमें हमारा पोस्ट ऊंचा होगा, हमारा पद ऊंचा होगा, कहां से, जब तक अपने आप को हम नम्र नहीं करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन।
इसलिए अपने आप को नम्र करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के विषय में लिखा, जब वो उस दुनिया के अंदर में आया, उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को नम्र किया, और यही नतीजा है कि परमेश्वर उसको महिमा में आगे बढ़ाया। हालेलुया। लिखा, स्वर्ग पृथ्वी और मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह के नाम के द्वारा दूसरा कोई भी नाम नहीं दिया गया। हालेलुया। इसलिए अपने स्वभाव को नम्र करें, और नम्रता परमेश्वर के अधीन में होने का मतलब है। अगर हम अपने आप को नम्र करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के अधीन में। अगर हमारा स्वभाव अभी तक नम्र नहीं है, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के अधीन नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 11 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा है, साम चैप्टर 37 वर्स 11, यहां पर परमेश्वर का वचन लिखता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे, लिखा है। हालेलुया। नम्र व्यक्ति के विषय में, जो अपने आप को, अपने स्वभाव को नम्र करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करते हैं। मैंने कहा नम्रता कहने का मतलब है परमेश्वर के अधीन होना। जो अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, परमेश्वर लिखा वह आनंद मनाएंगे, शांति के कारण से आनंद मनाएंगे। हालेलुया। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है, अच्छा जीवन चाहता है। नम्रता और परमेश्वर का भय मानने का फल है धन, महिमा और जीवन। हालेलुया। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप जहां कहीं है, परमेश्वर अगर अपने स्वभाव को आप नम्र करते हैं, परमेश्वर वहां पर से आपको ऊंचा खड़ा करना शुरू कर देगा। हालेलुया। मूसा के विषय में लिखता है, जब आप गिनती उसका 12 अध्याय उसका 3 पद को जब हम पढ़ते हैं तो मूसा के विषय में परमेश्वर का वचन इस बात को बतलाता है। नंबर चैप्टर 12 वर्स 3, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। क्या लिखा है कि वो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा परमेश्वर के अधीन में रहने वाला व्यक्ति था। मूसा परमेश्वर से बातें करने वाला व्यक्ति था। मूसा अपने आप को क्या किया, नम्र बनाया, नम्र स्वभाव का बनाया। गिनती उसका 3 अध्याय उसका 11 पद में भी इस बात को कहता है। गिनती नंबर चैप्टर 3 वर्स 11, यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन इसराइली स्त्रियों के सब पहलौठों की संति में इसराइलियों में से लेवियों को ले लेता हूं, इसलिए लेविए मेरे ही हो। गिनती 4 अध्याय उसका 10 पद यहां पर लिखा, तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों की खाली के आवरण के भीतर रखकर डंडे पर धर दे। मूसा को अपने स्वभाव के विषय में मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को नम्र किया, वो अपने आप को शून्य बनाया। मूसा इसराइलियों के सामने, इसराइलियों का हमेशा जब भी अगर पानी नहीं मिलेगा या फिर खाने को नहीं मिल रहा है, इसराइल लोग तुरंत भड़क उठते थे। लेकिन मूसा के विषय में ये नहीं लिखा कि मूसा बड़बड़ाने लगा परमेश्वर के प्रति। नो, मूसा इसराइलियों के प्रति सोचता था। जब ये लोग मूर्ति पूजा में गए, इसराइली लोग जब परमेश्वर को ठुकरा रहे, परमेश्वर जब इसराइलियों से नाराज हुआ, गुस्सा हुआ, परमेश्वर चाह के हम इसको नाश कर दे, लेकिन मूसा क्षमा मांग रहा है परमेश्वर से उनके लिए। यह है नम्र स्वभाव। मेरे प्रिय भाई बहन, नम्रता मतलब क्षमा को मांगना परमेश्वर से, अपने गलती को मानना, अपने गलती को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र बनाएं, और जब हम अपने आप को नम्र बनाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन से बातें करना शुरू करेगा। हालेलुया। और जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार की आशीषें हमारे जीवन में देगा, गिनती उसका 6 अध्याय उसका 22 पद से लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इसराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे,
या वह तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, या वह अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति में मेरे नाम को इसराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। यह है नम्र स्वभाव। जब हमारा स्वभाव नम्र होगा, हम एक दूसरे के लिए उन्नति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का नाम को उनके बीच में हम रखेंगे, लोगों के बीच में हम रखेंगे। और जब हम लोगों के बीच में परमेश्वर का नाम को हम रखेंगे, हम इस बात को जान लें कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव नम्र हो रहा है। हालेलुया। अगर हम दूसरों की उन्नति के लिए हम प्रार्थना कर रहे, कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव नम्र होता है। आज के समय में कई बार हम ऐसा होता है कि हम दूसरों के प्रति हमारा स्वभाव बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम दूसरों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझको ये चाहिए वो दे परमेश्वर, और हम इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे में हमारा स्वभाव नम्रता में नहीं है, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के अधीन में नहीं है। लेकिन जब हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये वचन से लिखा है कि लोगों को आशीष दिया करना। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, उसके आशीष के लिए, उसके सामर्थ्य को के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने आप को कहीं ना कहीं हम दीन और नम्र बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से बात करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानना। जब आप नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 33 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही अच्छा ये वचन लिखता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 33 यहां पर लिखा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, लिखा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अज्ञानता में हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है अज्ञानता के कारण से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ते हैं, लिखा यहोवा का भय मानने से, परमेश्वर पर विश्वास करने से, परमेश्वर के अधीन में रहने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है, लिखा है। हालेलुया। महिमा से पहले परमेश्वर हमारे स्वभाव को भी नम्र कर देता है। कहां से हमारा स्वभाव नम्र होगा, कहां से हम दूसरों के लिए उन्नति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जब तक ये परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से नहीं बसेगा, मेरे प्रिय भाई बहन, हम एक दूसरे के लिए उन्नति के लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं कर पाएंगे, वरन हम अपने अपराध को भी हम ठीक रीति से नहीं मान पाएंगे। लेकिन जब हम और आप परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे, जब हम और आप परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके अधीन में होना। जब हम परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा स्वभाव नम्र होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति मजबूत होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे जीवन में परमेश्वर का शिक्षा आना शुरू हो जाएगा, और हमारे अंदर से हर एक प्रकार की अज्ञानता दूर होगी, क्योंकि अज्ञानता के कारण से आज परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा नाश हो रही है। लेकिन जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, हमारा स्वभाव नम्र होगा। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, हमारी अज्ञानता दूर होगी। हालेलुया। नीति वचन 10 अध्याय उसका 27 पद में यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 27, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन रहने से, परमेश्वर पर भरोसा रखने से लिखा है कि परमेश्वर आयु को बढ़ाता है। आज हर व्यक्ति क्या चाहता है, जितना हो सके हम लंबा जीवन जिए, मुझे एक दीर्घायु से परमेश्वर तृप्त करे। लेकिन कैसे, कहां से होगा, जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाने वाला नहीं है। राजा हिजकिया परमेश्वर के अधीन हो गया जब उसको मालूम चला कि मैं मरने वाला हूं, जब उसे कहा गया तू जो आज्ञा अपने परिवार के प्रति देना तू दे दे, क्योंकि तू बचने वाला नहीं है। राजा हिजकिया क्या किया, अपने परिवार से बातें किया या इधर उधर घूमने लगा, अरे लास्ट समय है, जो करना हम कर लेते हैं, ऐसे भी मरने वाले हैं? नहीं,
वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया, वो परमेश्वर के सामने रोने लगा और बिलक बिलक कर रोकर परमेश्वर से क्षमा मांगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए लिखा है परमेश्वर उसकी आयु को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, ना हमारे जीवन में धन आएगा, ना हमारे जीवन में महिमा आएगा, और ना हमारा जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। हम दूसरों के लिए उन्नति के लिए हम प्रार्थना जरूर करेंगे, लेकिन हमारे जीवन में उन्नति नहीं आएगी मेरे प्रिय भाई बहन। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन नहीं है। हालेलुया। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। जो अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं रखते, लिखा उसका जीवन थोड़े दिनों का होता है। कब तक? वो अंधकार की शक्ति में रहेगा। शैतान का काम है लोगों के जीवन को खत्म कर देना, लोगों को जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके मृत्यु के द्वार ले जाना। शैतान का ये टारगेट होता है। अगर हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे, शैतान काम नहीं करने पाएगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में शैतान काम नहीं करने पाएगा। जब शैतान काम नहीं करने पाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारी आयु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन कर लीजिए। जब आप प्रकाश व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका पहला पद में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो अब तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अगर हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, अगर हम परमेश्वर की सब आज्ञाओं को पूरे करने में हम चौकसी करते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमको श्रेष्ठ व्यक्ति बनाएगा, नम्रता का आत्मा देगा, परमेश्वर हमारे जीवन में धन को देगा, परमेश्वर हमारे जीवन में महिमा को देगा। हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देगा, अपने मुख का प्रकाश हमारी ओर चमकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण से, परमेश्वर के अधीन होने के कारण से, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे लिखा है। हालेलुया। अब पूरे 28 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। अगर हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, किस प्रकार से परमेश्वर हमारे खेत में, हमारी उपज में, हमारे पशुओं के जीवन में, हमारे टोकरी, लिखा है तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय, मतलब परमेश्वर हर एक गतिविधि में अपनी आशीष देना हमारे जीवन में शुरू कर देगा। हम सुबह से लेकर शाम तक हम जो कुछ भी करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हर एक गतिविधि में परमेश्वर की आशीष आएगी अगर हम और आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं। अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं है, हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में नहीं देखने पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं है, हम परमेश्वर का सामर्थ को अपने जीवन में नहीं देखने पाएंगे। इसलिए अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र बना लें और परमेश्वर के अधीन हो जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां पर लिखता है, फिलिप्पी उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद से लिखता है, मसीह की दीनता और महानता के विषय में कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया इस दुनिया के अंदर में। लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, लिखा है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु का अगर हमारे अंदर में स्वभाव होगा, ऑटोमेटिक हमारे लिए परमेश्वर की आशीष क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और अपने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया
और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को शून्य किया, यीशु मसीह अपने आप को दीन बनाया, यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए मैंने कहा धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आप जहां भी हैं परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा करेगा जब हमारा स्वभाव नम्र होगा, जब हम अपने आप को दीन करेंगे, जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आइए अपने आप को हम परमेश्वर के अधीन कर लें, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लें, हम अपने आप को परमेश्वर के निकट लावें। अपना पिछला चाल चलन जो हम पहले क्या करते थे वो सारी चीजों को भूलकर आइए हम प्रभु के करीब आ जाएं और प्रभु से कहे प्रभु मुझको नम्र बना दे, प्रभु से कहे प्रभु मैं तेरे अधीन में रहना चाहता हूं, मैं तेरी सारी आज्ञाओं का मैं पालन करना चाहता हूं। और जब हमारा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं जब हमारे जीवन से पूरा होना शुरू हो जाएगा, मैंने कहा परमेश्वर सबसे पहला चीज धन, महिमा और जीवन देगा। ये तीन आशीषें परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे जीवन में देगा। हम फिनेंशियली रीति में स्ट्रांग होंगे, परमेश्वर हम जिस जगह में रहते हैं परमेश्वर हमें ऊंचा खड़ा करना शुरू कर देगा, हमारी गतिविधि में परमेश्वर हमें ऊंचा खड़ा करना शुरू कर देगा और एक अच्छा जीवन परमेश्वर हमारा आपको देगा, जिस जीवन को पाकर आप कहेंगे मेरा जीवन कितना अच्छा है, जब से प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया मेरा जीवन बदल गया। ये गवाही हम और आपके होठों और जुबानों में होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, भूल जाइए सारी चीजों को जो आपने पिछले जीवन में किया, लेकिन अब वो समय है कि हम प्रभु के अधीन हो जाएं। हनुक अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लिया मेरे प्रिय भाई बहन, और परमेश्वर के अधीन में होने के कारण से हनुक के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे अपने पास में बुला लिया, वो लोप हो गया लिखा है, उसका पता नहीं मिला क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, परमेश्वर अपने पास उसको बुला लिया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इसलिए आइए हनुक के नाई अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर ले, मूसा के नाई अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर ले, अपने आप को नम्र बनाए, प्रभु यीशु मसीह के नाई हम अपने आप को आज्ञाकारिता में आगे बढ़ाएं। सो आइए इस घड़ी में अपने आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे आज्ञाकारिता में आगे बढ़ा, प्रभु मुझे अपना नम्रता में आगे बढ़ा, प्रभु मुझे अपने अधीन में रखे रख। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए और एक क्षण आइए हमारे साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, अपने स्थानों में आइए हम इस घड़ी खड़े हो जाए और अपने हाथों को उठाकर हम थोड़ी देर हम प्रार्थना करें प्रभु से। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, प्रभु पिता तू प्रेमी है, तू दयालु है मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं, तू असंभव को संभव करने वाला पवित्र परमेश्वर है। आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए और इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें और इस घड़ी कहे प्रभु मुझे अपने अधीन में रख ले, प्रभु मैं तेरे अधीनता में बढ़ना चाहता, मैं तेरी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपने आप को नम्र बनाना चाहता हूं प्रभु, मैं अपने आप को दीन बनाना चाहता हूं प्रभु, मैं यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा अपने स्वभाव को करना चाहता हूं। अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें। हालेलुया, और अपनी गलती के लिए माफी मांगे कि हो सके जाने अनजाने में प्रभु मैंने बहुत सा पाप अपने जीवन में किया, अपने आप को दीन नहीं किया, अपने आप को नम्र नहीं बनाया प्रभु, मैंने अपने आप को तुझे जानकर भी तेरे अधीन में नहीं रखा प्रभु, मुझको माफ करना। लेकिन आज इसी वक्त प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर एक को आशीष दे, इस घड़ी जितने लोग लाइव देख रहे हैं प्रभु इसी घड़ी अपना सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट करे, इसी घड़ी प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर में उतरने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करे प्रभु से, कहे प्रभु मैं तेरे अधीन में होना चाहता हूँ, मैं तेरी सब आज्ञाओं को पूरी करने में चौकसी करना चाहता हूँ मेरे खुदा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, मुझे धन चाहिए, मुझे महिमा चाहिए, मुझे जीवन चाहिए मेरे खुदा। हालेलुया, ओ मेरे स्वभाव को नम्र बना दे,
ओ प्रभु मैं तेरे भय में आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होता है लिखा है, परमेश्वर का भय मानने से आयु में बढ़ोतरी होती है, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि हमारे जीवन में आती है। हालेलुया रिबा रबा 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 शंद खरा रबा रबा रबा। पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने लोग इस घड़ी पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को दीन कर रहे हैं, अपने आप को नम्र कर रहे हैं, इसी घड़ी प्यारे परमेश्वर तेरा अभिषेक इन प्रियों के जीवन में उतर जाए, हर एक पाप का बंधन टूटे, हर अंधकार की शक्ति टूटे, हर एक प्रकार का श्राप टूटे यीशु के नाम में मेरे पिता, और एक एक के स्वभाव को इसी घड़ी नम्र कर दे, इसी घड़ी अपना सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर प्रभु अपने अधीन में कर ले एक एक को मेरे खुदा। हालेलुया, ओ राजाओं का राजा सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, यदि आप बीमार हैं अपने आप को इसी घड़ी परमेश्वर के अधीन कर लीजिए, आपकी बीमारी जाएगी, आपकी समस्याएं जाएगी, आपकी तकलीफें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर के अधीन में कर लिया। हालेलुया, ओ मैं प्रार्थना कर रहा हूं जितने लोग इस घड़ी बीमार पाए जाते हैं प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर इसी घड़ी इन प्रियों को छू ले, हर एक शारीरिक कमजोरी, हर एक शारीरिक बीमारी, हर एक शारीरिक दुर्बलता यीशु के नाम में दूर हो जाने पाए मेरे खुदा। हालेलुया, पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक प्रकार का पैरालाइज़पन यीशु के नाम में खत्म होने पाए, ओ जो हॉस्पिटल में इसी घड़ी उन्हें छुटकारा दे यीशु के नाम से मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा मेरे प्यारे परमेश्वर इन प्रियों के जीवन में, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांग रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ को मांग रहे हैं, इसी घड़ी इन प्रियों के आत्मिक जीवन को मजबूत कर दे यीशु के नाम में प्रभु, और अपने अधीनता में इन प्रियों को लिए चल मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जो फाइनेंशियली रीति में स्ट्रांग बनना चाहते हैं प्रभु, फाइनेंशियली प्रॉब्लम को अपने जीवन से दूर होते हुए देखना चाहते हैं, इसी घड़ी इन प्रियों को अपनी आत्मा में उपस्थिति में ले ले और इनके हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम को दूर कर दे यीशु के नाम में। रिखा लबा 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 लबा, ओ मेरे प्यारे परमेश्वर हर एक को अपनी अधीनता में ले ले मेरे पिता। ओ हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करने के लिए जा रहा है। रिबा लबा लबा लबा, ओ मेरे प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इन प्रियों को छूने के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं अपने अधीनता में इन प्रियों के जीवन को रखने के लिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन प्रियों के स्वभाव को नम्र बनाने के लिए, हम धन्यवाद करते हैं इन प्रियों को दीन बनाने के लिए, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और इन प्रियों को आशीष दिया है मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस आराधना में शामिल है प्रभु, हर एक से बातचीत कर इसी घड़ी, हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे मेरे पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज के वचन के द्वारा इन प्रियों से बातचीत किया प्रभु, इन प्रियों के स्वभाव को दीन और नम्र बनाया, और जितने लोग अपने जीवन में ये डिसीजन ले रहे कि आज से प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे अधीन में करता हूँ, अधीनता में करता हूँ प्रभु, इन प्रियों को बहुत आशीष देना ताकि वो प्रभु तेरी अधीनता में अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए और नम्रता और यहोवा का भय मानना इनके जीवन में उतरने पाए, ऐसी आशीष ताकि प्रभु ये धन को प्राप्त करे, ये महिमा को प्राप्त करे और जीवन को हर एक व्यक्ति प्राप्त करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। खुदा हम धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, इन प्रियों को आशीष दिया है खुदा, हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर हमारा सारा डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है, इसके माध्यम से आप प्रभु की सेवकाई के लिए आप धन्यवादी दान दशवांश आप स्वेच्छा के साथ में दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोएं, और याद रखें जब आप धन्यवादी भेंट देते अपना नाम अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखें ताकि हम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा में हम हर एक कोई आगे बढ़ने पाएंगे। हालेलुया, सो आइए इस घड़ी में गीत को भी ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करते हैं। हम गाएंगे यीशु मुके प्यार करेला। हालेलुया, सच में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, सो आइए इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएं और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे।
प्यार करेला आनंद जीवन डहारे डहारे मसीह मुके प्यार करेला यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहारे डहारे मसीह मुके प्यार करेला बहल पढ़ के यीशु के पाओ ना पाओ ना बाई बहल पढ़ के यीशु के पाओ ना बाई बहल पढ़ के यीशु के पाओ ना बाई बहल पढ़ के यीशु के पाओ ना यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहारे डहारे मसीह मुके प्यार करेला यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहारे डहारे मसीह मुके प्यार करेला बिनती ही कर के यीशु के पाओ ना बिनती कर के यीशु के पाओ ना बिनती कर के यीशु के पाओ ना बिनती कर के यीशु के पाओ ना यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहारे डहारे मसीह मुके प्यार करेला यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहारे डहारे मसीह मुके प्यार करेला गिरजा जाए के यीशु के पाओ ना 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 यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहारे डहारे मसीह मुके प्यार करेला यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहारे डहारे मसीह मुके प्यार करेला उपवास रख के यीशु के पाओ ना 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 यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहारे डहारे मसीह मुके प्यार करेला यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहारे डहारे मसीह मुके प्यार करेला विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आज की आराधना में आप सबों को बहुत तहत की आशीष दिया है। सो लगातार आप हमारी सेवकाई के साथ में जुड़े रहें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें और हमारी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। आप विभिन्न माध्यमों से हमारी सेवकाई के साथ में जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पेज के माध्यम से भी, जो सैटरडे सुबह 10:30 बजे उपवास सहित आराधना होती है, जो लाइव होती है, आप उसमें हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। याद रखें, सैटरडे के दिन में सुबह 10:30 बजे हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष देगा। साथ ही साथ
आप जब इस YouTube के माध्यम से हमारी शिवकाई को देख रहे हैं, आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे गूगल मीट ऐप के माध्यम से भी हमारी आराधना होती है। अगर आप उस आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आप हमें आपके जिसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जा रहा है, आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हैं और आपके मैसेज के दौरान आपको हमारे मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप हमारी शिवकाई के साथ में जुड़ने पाएंगे। हालेलुया। सो प्रभु हरेक को बहुत ऐत के आशीष दे। जरूर आप हमारी शिवकाई को भी सपोर्ट करें, आप अपना धन्यवादी दान दशवान स्वेच्छा के साथ हमारी शिवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत के आशीष देगा, जिसके लिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से प्रभु की शिवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक के जीवन में काम करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु हमारे को बहुत तहत की आशीष दिया, अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चला पिता। आज की आराधना में प्रभु तूने पिता परमेश्वर अपना सामर्थ को दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए जिन्होंने धन्यवाद भेंट दिया पिता। हरेक के दान दशमांश के देने वाले हाथों को मेरे पिता परमेश्वर के भंडार को प्रभु तू भरा पूरा रखना। हरेक कमी घटी से प्यारे परमेश्वर तू हरेक को बचाना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जितने लोग प्रार्थना निवेदन को दिए प्रभु, हरेक निवेदन को हारामीन के साथ में सुनना, उत्तर देना पिता परमेश्वर। हरेक इस आराधना में शामिल होना व्यर्थ ना जाए, वरन हरेक को बहुत तहत की आशीष देना, अपनी महिमा में उपस्थिति में लिए चलना प्रभु। पिता हम धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु कृष्ण के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष दे। धन्यवाद।